हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19 एंड फाइंड y व्हेन x = 1। सो क्या इक्वेशन दिया, 4x + 5y इज इक्वल टू 19। ओके, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये दिया है और इसमें से फोर ऑप्शन में दिया है a b c d। ओके, सो हम लोग को y फाइंड आउट करना है, x के जगह पे क्या पुट करना है, 1। तो x के जगह पे 1 पुट कर देते हैं एंड y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो x के जगह पे क्या पुट करना है, 1। सो आपको एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, तो आपको ये रफ पेज पे सॉल्व करके देन वो करेक्ट आंसर करना रहेगा। ओके, 4 1 4, हमने y x को रिप्लेस किया बाय 1 से, देन 4 1 4, 4 + 5y = 19। ओके, 4 यहां पे क्या प्लस में वो साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो 19 - 4, ओके, सो 19 - 4 इज 15 राइट ना। सो यहां पे 5 है, वो साइड आएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, बिकॉज़ here multiply by y, then 5 3 15, so y is equal to कितना मिला, 3। so b में कितना दिया है, 3 दिया है, तो b is the correct answer। okay, second question, for simultaneous equations in variables x and y, dx is equal to 14 and dy is equal to -63, d is equal to 7, then what is x। सो ओके, सो हम लोग को dx dy दिया है, सो हम लोग को x डायरेक्ट फाइंड आउट करना है, जो हम लोग क्रैमर रूल में कर चुके हैं। सो x फाइंड आउट करने के लिए ओके क्या दिया था फॉर्मूला, dx डिवाइड बाय d राइट ना, मैंने यही बताया। एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है, dy डिवाइड बाय d। सो dx कितना दिया है इसमें, dx दिया 49 ओके, एंड d कितना दिया है 7। सो 7 7 जाए कितना होता है, 49 होता है। so x is equal to 7, then a is equal to 7 दिया है वहाँ पे, so a is the correct answer। okay, now third question, find the value of, अभी यहाँ पे determinant दिया है। okay, so determinant में 5 - 7 3 - 4 इसको solve करना है। okay, so solve कैसे करते हैं, then cross multiply करते हैं, आपको आता ही है। okay, 5 multiply by -4, माइनस का साइन डाल देते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 multiply by -7। ओके, 5 4 20 एंड देन यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 7 21, सो 21 - 20 कितना होता है, 1 होता है। देन डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू सॉल्व एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x - 2y - 4 is equal to 0 by determinant method, find d। अभी यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, हम लोग को determinant method से हम लोग को क्या find out करना है, d find out करना है। तो it is very simple to solve and to find out the value of d। okay, so determinant हम लोग solve करते हैं, determinant, so equation x plus y लिख लेते हैं, first x plus y is equal to 3। okay, ये दिया first equation एंड सेकेंड क्वेश्चन में 3x - 2y, ओके, देन -4 दिया है ना, तो -4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा राइट ना, ऐसे हम लोग करते। सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दिया है, 1, y का कोएफिशिएंट क्या दिया है, 1। ओके, कुछ नहीं रहता, इट मींस क्या रहता है, 1। सो हम लोग x के कोएफिशिएंट को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं एंड y के कोएफिशिएंट को 2 एंड लास्ट वाले को 3। सो इन d फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था, 1 2 राइट ना, d में क्या आएगा 1 2, dx में क्या आएगा 3 2 एंड dy में 1 3। ओके, सो 1 का नंबर क्या है, 1 एंड 3 है, वर्टिकली हम लोग देखेंगे 1 3 कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, ओके, y का कोएफिशिएंट यहां पे 2 है ना, सो 2 का क्या है, +1 - 2, सो +1 - 2। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 multiply by -2 -1 multiply by 3, ओके, देन प्लस माइनस इज माइनस, 2 1 2, ओके, सो -2 एंड -3, सो -2 - 3 कितना होता है, -5। ओके, सो इन सी -5 दिया है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ax + by = c एंड mx + ny = d। सो ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, mx
प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी। ओके दो इक्वेशन दिया है एंड ए एन डज नॉट इक्वल टू बी एम। ओके देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव। ओके सो हम लोग को दिया है ए कितना दिया है ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, सेकंड दिया बी में दिया है नो सॉल्यूशन, सी में दिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड डी में ओनली टू सॉल्यूशन। सो हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पे देखो ए हम लोग यहाँ पे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना ये ए है ये क्या है ए बी एम एन राइट ना। सो इसको ए ले लेते हैं ये क्या है बी है राइट ना एन है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है माइनस टू आता है वन मल्टीप्लाई टू माइनस टू आता है एंड इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे वन मल्टीप्लाई थ्री कितना होता है थ्री होता है। तो बोथ आर नॉट सेम राइट ना बोथ आर नॉट सेम। सो हम लोग को क्या मिलेगा ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा राइट ना। अगर सेम आ जाता तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ओके इसलिए हम लोग यहाँ पे सेम आ गया ये दोनों तो वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा उसका ओनली वन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। इसलिए जब भी सेम नहीं रहेगा इट मींस ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ओके सो इज द करेक्ट आंसर। टू क्वेश्चन नंबर टू में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ओके अभी यहाँ पे एक टेबल दिया है ओके टेबल क्या दिया है एक्स वाई माइनस फाइव जीरो एक्स कॉमा वाई जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में किया है। ओके अभी यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 दिया राइट ना। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5 दिया तो y इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे x के जगह पे माइनस 5 पुट करेंगे एंड y इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू 0 दिया y के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे देन फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग x के जगह पे माइनस 5 पुट करके देखते हैं क्या आता है। ओके सो माइनस 5 पुट करेंगे सो माइनस 6y इज इक्वल टू 3 2 5 जा 10 सो माइनस 10 मिला। ओके सो माइनस 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा राइट ना। सो प्लस 10 होगा सो माइनस 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 राइट ना। सो माइनस 6y इज इक्वल टू 13 माइनस में हो जाएगा क्या होगा प्लस में होगा। ओके नाउ माइनस 6 हो जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में तो 13 डिवाइड बाय माइनस 6। ओके सो y इज इक्वल टू कितना मिला 13 डिवाइड बाय 6 एंड माइनस में मिला। ओके माइनस नीचे रहो मिडल में रहो ऊपर रहेगा आंसर दोनों बोथ आर सेम। ओके सो अभी क्या करना है कितना मिला ये माइनस 13 डिवाइड बाय 6 तो x कॉमा y तो आपको पता है माइनस 5 कॉमा माइनस 13 डिवाइड बाय 6। ओके ये फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकंड में क्या करना है y के जगह पे क्या पुट करना है 0 पुट करना है एंड x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। सो 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 दिया है y के जगह पे रिप्लेस करना बाय 0 सो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 3 ये टर्म क्या हो गया हट गया कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू कितना मिला 3 सो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 राइट ना। सो कितना मिला 3 डिवाइड बाय 2 तो ये क्या हो जाएगा x कॉमा y है तो 3 डिवाइड बाय 2 कॉमा 0। सो ये टेबल हम लोग फिलअप कर गए। ये जो क्वेश्चन है 1 एंड 2 ये कितने मार्क के लिए आता है एग्जाम में 1 मार्क के लिए और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ओके फर्स्ट इतना कर लो उसके बाद आपको नॉलेज मिल जाए कैसे करते क्या करते उसके बाद हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अभी आपको ग्राफिकल मेथड मैंने क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रैक्टिस सेट 1.2 में मैंने आपको सिखाया सो आपको अगर वो आता है तो ये सिंपली कर लोगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता दो उसका सॉल्यूशन मैं समझा दूंगा कि कैसे आया। ओके बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अभी डिटरमिनेंट भी आपको आता है राइट ना। अभी आज भी हम लोग सॉल्व किए कि कैसे करते हैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मिडल में माइनस की साइन डालते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय
क्रैमर्स मेथड, क्रैमर रूल यहाँ पे अप्लाई करना है जो प्रैक्टिस सेट 1.3 में है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो सिंपल है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड मैं क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, एंड फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल ही है, देन फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दिख रहा है राइट ना, तो फिफ्थ क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखो इतना हम लोग प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं राइट ना, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं सिर्फ जो हार्ड क्वेश्चन हैं इस प्रॉब्लम सेट में उसको ही सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं सो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सिंपली आपको सॉल्व करने आ जाएगा। ओके सो इसलिए जो हार्ड वाले क्वेश्चन लग रहे हैं आपको वो नहीं समझेगा या कैलकुलेशन उसको कैसे आया वो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना अगर आपको प्रैक्टिस सेट सब सभी आते हैं 1.5 तक तो ये प्रॉब्लम सेट आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, बट फिर भी मैं उसका जो हार्ड लग रहा है उसको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। ओके क्योंकि कोई कोई कॉन्सेप्ट या कोई कोई मल्टीप्लाई बच्चे लोग को आप लोग को नहीं समझता है, सो उसके लिए फिर न्यू क्वेश्चन थोड़े अभी इससे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो दिख रहा है थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड जो है वो क्या दिया है, 3x - 2y = 5/2। ओके एंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड इक्वेशन जो सेकंड दिया है क्या दिया है, 1/3x + 3y = -4/3। अभी आप डायरेक्ट लेके सॉल्व कर सकते हो भाई, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट क्या दिया -2, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3 दिया है राइट ना, तो आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो आपका आंसर राइट आने वाला है, या तो आप क्या करो यहाँ पे डिवाइड में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो आप लोग को हार्ड पड़ेगा, बट यहाँ पे डिवाइड में तो हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 गेट कैंसिल राइट ना, सो हम लोग को सिंपली फॉर्म में मिल जाएगा। सो आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 कैंसिल, जो डिवाइड में वो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको डायरेक्ट करना है या सॉल्व करके सिंपल बना के आपको करना है, तो हम लोग थोड़ा सिंपल करके फिर करते हैं ताकि वो सिंपल पड़े कैलकुलेशन पार्ट में। ओके अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं, ओके इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन नेम दिए, इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय टू। ओके इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देंगे 6x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, देन यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ओके मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, सो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 5 एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओके इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3, इसको रफ कर देते हैं, ओके नाउ सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा राइट ना, सो क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, मैं तो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ओके एक लाइन जाएगा, आप डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो -4/3, ओके सो 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, सो क्या बचा यहाँ पे x, यहाँ पे 9y = क्या मिला यहाँ पे -4, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ओके सो नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग लेके सॉल्व करेंगे, ओके यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में -4y = 5, ये क्या है थर्ड इक्वेशन। ओके सो अभी यहाँ पे क्रैमर मेथड से अप्लाई करना है, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, सो क्रैमर मेथड में आप थर्ड को ऊपर लिखो फोर्थ को नीचे लिखो आप आंसर दोनों सेम आने वाला है। ओके सो हम लोग इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड। ओके अभी आप लेके ऐसा इसको लेके आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट सिंपल में, मैंने बता दिया। ओके सो
इसके आगे आपको पता है ना डी में कितना लिखना है 1 2, डी एक्स में 3 2 एंड डी वाई में 1 3, 12 32 13 आप याद रखो। उसके बाद x इज इक्वल टू फॉर्मूला डी एक्स डिवाइड बाई डी एंड y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिया है डी वाई डिवाइड बाई डी, सो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके नहीं तो ये आप फर्स्ट वाले 30 क्वेश्चन लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके मैं एक साथ लिख देता हूँ 6x-4y is equal to 5, 1x+9y is equal to -4, ओके ये क्या है 30 क्वेश्चन, ये क्या है 4th क्वेश्चन। अब यहाँ पे 1 2 3, ओके आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं डायरेक्ट जैसा आप लोग नॉर्मली जैसा हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 में सॉल्व किए उसके बेसिस पे बना दिया, अभी डायरेक्ट इसको लेके सॉल्व कर लो। ओके इन क्वेश्चन नंबर 5th, अभी 3rd 4th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है बहुत ही सिंपल है। अभी सो क्वेश्चन नंबर 5th में सिर्फ देखने पे हार्ड लग रहा है थोड़ा, ये स्टार्टिंग में कैलकुलेशन पार्ट है, उसके बाद जब इक्वेशन उसमें दिया नहीं है राइट ना, सो डायरेक्ट उसमें कैसे इक्वल करके दिया है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन फिर दोनों को लेके सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के फिर हम लोग जो दो इक्वेशन बनेगा उसको लेके हम लोग क्रैमर मेथड अप्लाई करके उसमें फिर सॉल्व एक्स वाई हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया है x+y-8/2, x+y-8/2 ओके इक्वल टू क्या दिया है x+2y-14/3, उसके बाद क्या दिया है 3x-y/4 ओके। अब यहाँ पे इक्वल में दिया है सो इक्वल में दिया है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रैमर मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। अभी क्या करेंगे अभी सभी इक्वल पार्ट है राइट ना, तो हम लोग ये दोनों को पहले इक्वल ले सकते हैं राइट ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x+y-8/2 इज इक्वल टू 3x-y/4 बिकॉज बोथ आर इक्वल राइट ना, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल में ले लिए। उसके बाद हम इन लोग इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं राइट ना, इन दोनों इक्वल दिख ही रहा है सो इन दोनों इक्वल को अलग से कंसिडर कर लेते हैं x+2y-14/3 इज इक्वल टू 3x-y/4 ऐसा लिख सकते हैं ना सभी इक्वल में, तो इन दोनों को हमने इक्वल में ले लिया एंड इन दोनों को हमने इक्वल में लिख लिया। ओके नाउ अभी इसको क्या करना है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व कर देना है एंड हम लोग को इससे एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे एक इक्वेशन बनेगा एंड जो दो इक्वेशन बनेगा दोनों इक्वेशन को लेके हम लोग क्रैमर मेथड अप्लाई करके फिर एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे। ओके सो इसको हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके अभी यहाँ पे 4 डिवाइड में ये साइड आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा। ओके सो 4x+y, अभी ये एक टर्म है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ओके डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3x-1, अभी ये डिवाइड में था इधर आया तो क्या हो गया ऊपर गया तो क्या हो गया मल्टीप्लाई, सो नाउ कैंसिल 2 2 4। ओके सो अभी यहाँ पे क्या मिला 2, अभी ये 2 सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ओके सो नाउ 2x, 2x+2y, 2y, 2x8, 16, ओके ये 3x-1 राइट ना, मैंने 2 था यहाँ पे सबसे सभी टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन जो आंसर मिला उसको लिख दिया। नाउ अभी ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल ये साइड आएगा तो ये साइड हम लोग शिफ्ट करते, तो अभी ये साइड ये साइन प्लस में तो क्या आएगा माइनस में, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू -16 वो साइड आएगा तो क्या हो गया +16 राइट ना। सो अभी x के टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे +2x है यहाँ पे -2 तो प्लस माइनस इज माइनस एंड 3-2 कितना हो जाएगा 1x एंड बड़े नंबर का साइन। ओके यहाँ पे 2y+y कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 16। ओके सो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 ही रहने देते क्योंकि क्रैमर मेथड है कोएफिशिएंट तो लगेगा। ओके ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड इसको लेके सॉल्व करेंगे तो किससे क्या आएगा सेकंड इक्वेशन, तो देन हम लोग यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 आगे इससे मल्टीप्लाई होगा 3 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा। ओके
सो 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1। अभी ब्रैकेट डाल दिया एक मिनट, वहां पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लिखो या ना लिखो, यहां पे मैंने लिखा था ओके, यहां पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहां पे भी नहीं लिखते तो भी चलेगा ओके। सो मैंने क्या किया, 4 डिवाइड में था इधर का मल्टीप्लाई होगा, 3 यहां पे डिवाइड तो वो साइड गया, तो क्यों वो साइड मल्टीप्लाई हो गया ओके। सो नाउ अभी ये 4 जो है सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 जो है सभी टर्म से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय x इज 4x प्लस 4 * 2 8y 4 * 14 56 ओके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9x 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3y ओके। जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहता है वो जब भी मल्टीप्लाई होगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, तो सभी जितने भी टर्म्स रहेंगे सबके अंदर वो मल्टीप्लाई होगा ओके। सो नाउ इसको हम लोग सेम अभी सॉल्व करेंगे, एक्स वाई को ये साइड लाएंगे तो प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में यहाँ पे आके प्लस में हो गया एंड माइनस 56 है वो साइड तो प्लस 56 हो गया ओके। सो हम लोग एक्स के कोएफिशिएंट को सेम सॉल्व करते हैं एक्स के टर्म्स को, सो यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, 9 माइनस 4 इज 5 एक्स एंड बड़े नंबर की साइन ओके। 8y प्लस 3y कितना हो गया 11y इज इक्वल टू 56, ये क्या है सेकेंड इक्वेशन। अभी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मिल गया, इन दोनों को लेके हम लोग क्रैमर मेथड अप्लाई करेंगे ओके। जैसा हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 में किए हैं, आप इन दोनों को लेके अभी मैंने सिंपल इक्वेशन में बना दिया, इसको लेके आप सॉल्व कर लो। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th तक कर लिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, उसको क्वेश्चन जितने भी दिए वर्ड प्रॉब्लम के उसको एक्सप्लेन करूंगा एंड इक्वेशन बना के आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप उसको प्रैक्टिस के लिए उसको सॉल्व करो ओके। सो एंड अगर कोई डाउट रहेगा, कोई सम अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बता दो, मैं उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।